नमस्कार बच्चों बच्चों आज इस वीडियो में हम क्लास सिक्स ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ क्लाइमेट हम बोलते हैं नॉर्मल वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन एक पर्टिकुलर रीजन में नॉर्मल वेदर कैसा है मौसम कैसा है रेनफॉल कितनी होती है बारिश कितनी होती है एवरेज टेम्परेचर कैसा रहता है सीजन्स कौन से हैं नेक्स्ट इज़ वेजिटेशन वेजिटेशन मतलब प्लांट्स जो जनरली ग्रो करते हैं या मिलते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं और वाइल्ड लाइफ जो बर्ड्स एंड एनिमल्स मिलते हैं वहाँ के नेचुरल इन्वायरमेंट में तो ये तीनों ही चीज़ें हम इंडिया के बारे में देखेंगे कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कैसी है डिटेल में चैप्टर में रीड करेंगे उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए चलिए शुरू करते हैं यू रीड इन न्यूज़ पेपर्स डेली आप डेली न्यूज पेपर में पढ़ते हैं एंड वॉच ऑन टी वी टी वी पर देखते हैं या फिर दूसरों को सुनते हैं हेयर अदर्स टॉकिंग अबाउट वैदर वैदर के बारे में मौसम के बारे में बात करते हुए यू मस्ट नो दैट वैदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन दी एटमोसफेयर और वेदर क्या होता है आपके एटमॉसफेयर में डे टू डे चेंजेस जो होते हैं कभी गर्मी ज़्यादा है ठंड ज़्यादा है फिर बारिश आ गई तो वो जो बदलाव हो रहे हैं एटमोसफेयर में वही मौसम है वही वेदर है इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर और वेदर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है टेम्परेचर में जो चेंज होगा रेनफॉल बारिश और सनशाइन धूप धूप कितनी है बारिश हो रही है या नहीं टेम्परेचर ज़्यादा है कम है ठंड है गर्मी है ये सब चीज़ें वेदर में इंक्लूडेड हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड मौसम कभी ठंडा या गर्म होता है सनी और क्लाउडी कभी क्लाउडी यानी कि बादल छाते हैं कभी सनी होता है सूरज निकलता है आसमान साफ रहता है विंडी और काम कभी बहुत तेज हवा चलती है कभी बिल्कुल काम शांत रहता है तो ये अलग अलग मौसम हो सकते हैं यू मस्ट हैव नोटिस दैट वेन इट इज़ हॉट कॉन्टिन्यूअसली फॉर सेवरल डेज और आपने ये भी नोटिस किया होगा जब कई दिनों तक मौसम गर्म गर्म रहता है यू डोंट नीड एनी वॉर्म क्लोदिंग तो आपको गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स और कुछ ठंडी चीज़ें भी खाते हैं आप आपका मन करता है इन कॉन्ट्रास्ट इसके उल्टे देर आर डेज टूगेदर कुछ ऐसे भी दिन हैं यू फील कोल्ड विदाउट वुलन क्लोथ्स आपको अगर गर्म कपड़े ना मिले तो आपको ठंड लगती है वेन इट इज़ वेरी वंडी जब बहुत हवाएँ चलती है ठंडी एंड चिल्ली और बाहर बहुत चिड़ मौसम रहता है ठंडा ठंड बहुत रहती है यू वुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू इट आपको कुछ गर्म चाहिए खाने के लिए तो कई बार ऐसा होता है कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बहुत गर्मी लगती है कई बार बहुत ठंड लगती है ये क्या है मौसम ही है जिनको हम ब्रॉडली क्या कहते हैं सीजन्स ब्रॉडली द मेजर सीजन रिकोगनाइज इन इंडिया आर इंडिया में जो सीजन हमने रिकोगनाइज किए हैं वो ये है सबसे पहला कोल्ड वेदर सीजन जिसको विंटर कहा जाता है ये होता है दिसंबर टू फेबर ये लर्न कर लीजिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन से कब से कितने से कितने मंथ तक ये होता है कोल्ड वेदर सीजन डिसम्बर टू फेबररी तीन महीने हॉट वेदर सीजन समर्स मार्च टू मे साउथ वेस्ट मानसून सीजन जिसको रेनी सीजन भी कहा जाता है जून टू सेप्टेम्बर और सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून दैट उसको हम ऑटम कहते हैं जब मानसून वापस जाता है अक्टूबर एंड नवंबर ये दो मंथ होते हैं हमारे रिट्रीटिंग मानसून के ओके okay? तो ये हमारी चार मेन सीजन हैं विंटर समर रेनी एंड ऑटम कोल्ड वेदर सीजन और विंटर्स अब विंटर्स के बारे में बात करते हैं इसमें क्या होता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन विंटर सीजन में द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन उस रीजन में सन रेज डायरेक्टली नहीं आती है एज द रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन नॉर्दर्न इंडिया नॉर्दर्न इंडिया में स्पेशली टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है हॉट वेदर सीजन या समर सीजन में अगर देखें तो इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन इस रीजन में सब जो रेज है सन रेज वो डायरेक्टली सीधा पड़ती है बिल्कुल टेम्परेचर बिकम वेरी हाई टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ड्यूरिंग द डे और दिन में बहुत गर्म और बिल्कुल ड्राई जो हवाएं हैं वो चलती है जिन्हें लू भी कहा जाता है लू क्या है हॉट एंड ड्राई विंड्स जो कि समर्स में चलती है साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन दिस सीज़न इज मार्क बाई द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून ये वो सीज़न है जिसमें मानसून आता है और आगे बढ़ता है द विंडस ग्लो फ्राम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगॉल विंड्स चलती है हवाएं चलती है अरेबियन सी के ऊपर से इधर अरेबियन सी और बे ऑफ बेंगाल के ऊपर से अभी दिखाएंगे आपको टुवर्ड्स द लैंड और ये लैंड की तरफ चलती है जमीन की तरफ चलती है दे कैरी मॉइस्चर विद दैन क्योंकि समुद्र के ऊपर से आ रही है वहाँ पर पानी बहुत है तो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है वेन द विंड स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर जब बीच में कोई माउंटेन बैरियर आता है उनसे ये टकराती है विंडस तो क्या होती है फिर रेनफॉल आकर बारिश होती है ये देखिए ये है इंडिया की मॉनसून विंड और इनको क्यों साउथ वेस्ट विंड कहा जाता है इंडिया में आप जानते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखिए साउथ वेस्ट इधर से ये हवाएं आ रही है इधर से तो इसलिए इनको साउथ वेस्ट, वेस्ट विंड कहा जाता है ऐसे आ रही है इस तरीके से तो यहाँ पर अरेबियन सी के ऊपर से और इधर बे ऑफ़ बंगाल दोनों के ऊपर से अपने साथ बहुत सारे मॉइस्चर लेके आती है और काफ़ी बारिश होती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्योंकि बे ऑफ़ बंगाल से सीधा हवाएँ यहीं पर जा रही है और आप जानते हैं पहाड़ियाँ भी काफ़ी हैं यहाँ फिर जैसे जैसे इधर की तरफ जाती रहती है बारिश होती रहती है कम 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 बारिश होती रहेगी और आप जानते हैं यहाँ पर जो कि राजस्थान का डेज़र्टिक एरिया यहाँ पर काफ़ी कम रेनफॉल मिलती है तो ये है हवाएं जैसे कि चलती है अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है और बारिश करती है इंडिया में और ये कब से कब तक होता है जुलाई टू सेप्टेम्बर तक हवाएँ ऐसे चलती है उसके बाद अक्टूबर में ये हवाएँ रिट्रीट करती है वापस चलती है वो कैसे होता है वो भी दिखाएंगे पहले रीड कर लेते हैं इसे कहते हैं सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून या फिर ऑटम वापस मानसून के वापस जाने का सीज़न मौसम या फिर ऑटम जिसको आप कहते हैं विंड्स मूव बैक फ्रॉम मेन लैंड टू बे ऑफ बंगाल यहाँ से हवाएं मेन लैंड से ज़मीन से बे ऑफ बंगाल की तरफ अब चलने लगती है दिस इज़ द सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून ये मानसून के वापस जाने का सीज़न है द साउदन पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीज़न ये इंपॉर्टेंट है और क्यों इन ये जो वापस हवाएं जा रही है जमीन से जा रही है इनमें तो पानी नहीं है तो ये कैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश करती है ये देखिए विंड्स कुछ सर्कुलर मोशन में जाती है मेन लैंड से वापस चल रही है अभी अक्टूबर और नवंबर का ये सीजन है और इस तरीके से ये जा रही है तो बाकी तो ठीक है मेन लैंड से समुद्र की तरफ चली जाती है कहीं ये बारिश नहीं करती लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ से आते टाइम कई बार ये हवाएं घूम जाती है ऐसे इस तरफ और क्योंकि ये ऐसे आ रही है थोड़ा सा यहाँ से बे ऑफ बंगाल के ऊपर से ये मॉइस्चर ले लेती है वापस आते टाइम जब इस तरह से कुछ हवाएं घूम के आती है और इसकी वजह से यहाँ पर तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में यही है यह ना दोनों ये स्टेट यहाँ पर बारिश होती है रिट्रीटिंग मानसून से किन दो स्टेट्स में बारिश होती है तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु में तो सर्दियों में बारिश होने का रीज़न यही है कि रिट्रीटिंग मानसून जब मानसून वापस जाता है तो कुछ हवाएं इस तरीके से घूम के आती है और वो यहाँ से आते टाइम बे ऑफ बंगाल से थोड़ा मॉइस्चर अपने साथ ले आती है जो कि यहाँ पर इसके तट पर बारिश करता है ओके होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो नवंबर तक ये चलता है फिर दिसंबर जनवरी फरवरी फिर से आपका विंटर सीजन आ जाता है ओके द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ बीन सॉरी हाउ एवर द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन हमने वेदर देखा वेदर मतलब मौसम जो रोज़ बदलता है दूसरा वर्ड है हमारा क्लाइमेट क्लाइमेट हम बोलते हैं एवरेज वेदर कंडीशन कैसा है कहीं का जैसे हम अफ्रीका के कुछ देशों की बात करें तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है तो वहाँ का मौसम समर टाइप होगा इंडिया में अगर हम बात करते हैं कि इंडिया का मौसम कैसा है क्लाइमेट कैसा है तो इसको मॉनसून टाइप कहा जाता है क्योंकि बारिश यहाँ ज़्यादा होती है हा क्लाइमेट किसको कहते हैं एवरेज वेदर कंडीशन विच हैज़ बीन मेजर ओवर मेनी ईयर्स जो कई साल तक मेजर किया गया है कि ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ बीन हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइबड एज मानसून टाइप इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको मानसून टाइप कहा जाता है मानसून एक वर्ड है जो कि अरेबिक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है मौसम मौसम ये अरब का वर्ड है इससे वर्ड बना है मानसून मौसम का मतलब क्या होता है सीजन ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन ट्रॉपिकल रीजन क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में है मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाई मानसून विंड ज्यादातर रेन यहाँ पर बारिश जो है वो मानसून विंड ही लेके आती है अपने साथ और एग्रीकल्चर जो है इंडिया में वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है निर्भर है रेन के ऊपर ही बारिश के ऊपर ही अच्छी बारिश होगी अच्छा मानसून आएगा तो मतलब मतलब हवाएं अपने साथ ज़्यादा मॉइश्चर लेकर आएगी मानसून अच्छा होगा तो एडिकुएट रेन होगी काफ़ी रेन होगी और उसके बाद माउंटीफुल ग्रोप काफ़ी ज़्यादा क्रॉप भी उगेगी द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस अब एक जगह का क्लाइमेट कैसा होगा वो किस चीज़ से अफेक्ट करता है लोकेशन कहाँ पर लोकेटेड है वर्ल्ड में अगर कोई जगह मान लीजिए जीरो डिग्री इक्वेटर के ऊपर है इक्वेटर जहाँ पर कि सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी जाती है जैसे कि अफ्रीका आप देखेंगे तो वहाँ पर ऑब्वियसली गर्मी ज़्यादा होगी उसके बाद थोड़ा ऊपर हम जाते हैं इंडिया की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं ट्वेंटी थ्री एंड अ हाफ डिग्री नॉर्थ ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल बीच से जाती है और फिर जितना आप अर्थ में ऊपर जाते रहेंगे पोल की तरफ पोलर रीजन आप जानते हैं बर्फ़ से ढका रहता है तो जितना आप ऊपर जाएंगे उतनी ही ज़्यादा ठंड बढ़ती जाएगी तो अगर आप इक्वेटर पे हैं तो आपके देश में गर्मी ज़्यादा रहेगी जो कि क्लाइमेट है वो हॉट रहेगा और जितना ऊपर होगा उतना ही कोल्ड होता जाएगा तो एक तो डिपेंड करता है लोकेशन पर कि आपका देश कहाँ पर लोकेटेड है दूसरा ऑल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड मतलब कितनी हाइट पर वो जगह है आप जानते हैं जो पहाड़ है मान लीजिए पहाड़ पे जितना ऊपर आप जाते जाएंगे उतना ही ठंड बढ़ती जाती है ऊपर तो बिल्कुल बर्फ ही जमे रहते हैं तो कोई प्लेस अगर बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पर है ऊंचाई पर है तो वहाँ पर ठंड ज़्यादा रहती है और बहुत नीचे है तो वहाँ गर्मी रहती है डिस्टेंस फ्रॉम सी समुद्र से डिस्टेंस कितनी है देखिए सी का रोल ये है कि समुद्र के आसपास जो जगह होती है वहा वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती ना बहुत ज़्यादा ठंड होती वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई या लो नहीं होता नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड कहा जाता है क्योंकि पानी जो है वो बहुत देर में गर्म और बहुत देर में ठंडा होता है इसलिए टेम्परेचर को बनाए रखता है और थोड़ा सा ह्यूमिडिटी वहाँ पर ज़्यादा होती है क्योंकि पानी है ऑब्वियसली हवाओं में मॉइस्चर ज़्यादा रहता है एंड रिलीफ़ ऑब्वियसली रिलीफ़ पर भी डिपेंड करता है तो ये चार चीज़ों पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा रहेगा आपका जहाँ पर आप है आपकी कंट्री है आपकी प्लेस है जहाँ पर भी आप रहते हैं वो लोकेटेड कहाँ पर है उसका ऑल्टीट्यूड कितना है सी से कितनी डिस्टेंस पर है और रिलीफ कैसा है देर फॉर इसी वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसिज इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इंडिया में भी आपको रीजनल डिफरेंसिस देखने को मिलेंगे ऐसा नहीं है कि गर्मी है तो हर जगह बराबर ही गर्मी है ठंड है या फिर बारिश हो रही है तो इक्वली बारिश हो रही है पूरे देश में काफ़ी रीजनल डिफ्रेंसेज है कहीं पर बहुत बारिश है, बारिश होती है कहीं पर गर्मी ज़्यादा रहती है कहीं पर ठंड ज़्यादा रहती है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसलमेर और बीकानेर जो कि डेजर्ट ऑफ राजस्थान में है दे आर वेरी हॉट देखिए जो डेज़र्ट में जगह होती है वो इतनी गर्म क्यों रहती है क्योंकि वहाँ पर रेत ज़्यादा है और रेत बहुत ही ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है थोड़ी देर आप धूप में रखो उसके ऊपर पैर रखना मुश्किल हो जाएगा और ठंडा भी उतनी जल्दी होता है इसलिए ऐसी जगहों पर रात में बहुत ठंड रहती है दिन में बहुत गर्मी रहती है तो जो रेतीली जगह है जो डेजर्टिक एरिया है इसमें दो एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं ये यह यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है जबकि हम द्रास और कारगिल की बात करें जो जम्मू एंड कश्मीर में है ये फ्रीजिंग कोल्ड है इसका रीज़न क्या है क्योंकि ये बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे है बहुत ऊंचाई पे है तो ये बिल्कुल बर्फ जमी रहती है यहाँ पर कोस्टल प्लेसेस की बात करें जो समुद्र तट के पास में है जैसे कि मुंबई महाराष्ट्र में है या फिर कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट यहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट रहता है एवरेज रहता है दे आर नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड ये ना बहुत ठंडे होते ना बहुत गर्म होते बींग ऑन द कोस्ट कोस्ट पर रहने की वजह से समुद्र तट पर होने की वजह से दीज प्लेसेज आर वेरी ह्यूमिड लेकिन यहाँ पर ह्यूमिडिटी काफ़ी रहती है हवा में जो है मॉइस्चर रहता है चिपचिपाहट रहती है उसके अलावा माउसिन राम जो है मेघालय में रिसीव द वर्ल्ड हाइएस्ट रेनफॉल इंडिया की भी नहीं दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश माउसिन राम में होती है ऐसा कहा जाता है कि रोज़ दिन में दो बार यहाँ बारिश होती है क्योंकि एक तो नीचे बे ऑफ बंगाल है वहाँ से हवाएं जो चलती है अपने साथ खूब सारा मॉइस्चर आती है ऊपर से यहाँ पर पहाड़ियाँ बहुत है तो फट से उनसे टकराती है और बारिश होती है फिर हवाएं आती है टकराती है बारिश होती है तो माउसिन राम में हाइएस्ट रेनफॉल होती है वर्ल्ड में वाइल इन पर्टिकुलर ईयर जबकि ऐसा हो सकता है किसी पर्टिकुलर ईयर में इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान राजस्थान में बारिश ही ना हो तो देखिए इंडिया में ही कितने रीजनल डिफरेंसेस है कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है कहीं पर बिल्कुल ही नहीं हो रही है जैसलमेर में कहीं बहुत गर्मी है जैसे कि जैसलमेर और बीकानेर में कहीं बहुत ज़्यादा ठंड है कहीं मौसम मॉडरेट है बिल्कुल तो ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा ओके चार चीज़ें इनका याद कर लीजिए क्वेश्चन ये अक्सर पूछ लिया जाता है अब नेक्स्ट आते हैं हम नेचुरल वेजिटेशन पर क्लाइमेट आपने देख लिया कैसा है इंडिया का क्या सीजन्स होते हैं और किन चीज़ों पे डिपेंड करता है अब हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन की कि यहाँ पर पेड़ पौधे कैसे हैं वी सी ए वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आर सराउंडिंग आपको आपके चारों तरफ बहुत टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते होंगे हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन अ फील्ड विद ग्रीन ग्रास हरे हरे घास के मैदान में खेलना सभी को ही बहुत अच्छा लगता है देर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स लाइक बुशेज एंड श्रब्स लाइक कैक्टस और फ्लॉरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा कुछ फ्लॉरिंग प्लांट्स या फिर कैक्टस जो कि बहुत छोटे होते हैं जिनको श्रब्स कहा जाता है या फिर बुशेज झाड़ियाँ जो होती हैं बिसाइड्स इसके अलावा मतलब मॉडरेट हाइट की घास है बिल्कुल धरती से लगा हुआ उसके बाद एवरेज ये ग्रास है बिल्कुल एवरेज हाइट के कुछ प्लांट्स हैं थोड़े छोटे ओके बुश हैं थर्ड नंबर पर आते हैं ट्रीज जो कि काफ़ी बड़े हैं पेड़ जिनमें बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं लीव्स होती है जैसे कि नीम मैंगो और सम विद स्टैंड विद फ्यू लीव सच एज पाम कुछ में कई ज़्यादा पत्तियाँ होती है कुछ में कम होती है द ग्रास श्रब्स एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन वो घास श्रब या पेड़ जो अपने आप उगे हैं बिना ह्यूमन बींग के इंटरफेरेंस से उनको कहा जाता है नेचुरल वेजिटेशन अपने आपके घर में फूल का पौधा लगा दिया वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है लेकिन कोई पेड़ अगर खुद से उग गया उसको हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं डू यू वंडर हाउ दीज डिफर फ्राम ईच अदर ये नेचुरल वेजिटेशन एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं कहीं पर अलग टाइप का पौधा मिलता है कहीं पर अलग बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ नैचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन क्लाइमेट कंडीशन जैसे होगी उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं अमंग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसमें रेनफॉल कितनी होती है कहाँ पर वो भी बहुत ज़रूरी है क्लाइमेट कैसा है ठंड होगी तो अलग टाइप का वेजिटेशन होगा अलग टाइप के पेड़ पौधे होंगे जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बारिश बहुत कम होती है वहाँ पर अलग टाइप के पौधे मिलते हैं ओके okay, तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है वेजिटेशन क्लाइमेट पर और रेनफॉल पर ड्यू टू वेरी क्लाइमेट कंडीशन क्लाइमेट कंडीशन तो हमने देखी कितनी डिफरेंट है इंडिया में कहीं बारिश ही बारिश हो रही है कहीं हो नहीं रही है कहीं एवरेज मौसम है कहीं ठंड है गर्मी है तो इंडिया में क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन इतनी डिफरेंट है इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इंडिया में वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलता है वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी अब हम बात करते हैं जंगल ज़रूरी क्यों है यहाँ पर आपको एक रेन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल टू आस ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीद एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ये जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कोरोना में सबको इम्पोर्टेंस पता लग गई है ऑक्सीजन की तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो हमारे फॉरेस्ट है वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं ब्रीद करने के लिए सांस लेने के लिए द रूट्स ऑफ प्लांट बाइंड द सॉइल दस दे कंट्रोल सॉइल इरोजन जो जड़े हैं पौधों की वो मिट्टी को पकड़ के रखती है इसलिए सॉइल इरोजन को रोकती है यह आपने एक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कहीं पर जो खाली मिट्टी है अगर आप वहाँ पानी डालेंगे तो मिट्टी पानी के साथ बह जाती है लेकिन अगर वहाँ पे आप एक पौधा उगा दे एक पौधा जहाँ पर उग रखा है पास में ही अगर आप उसमें पानी डालें तो आप देखेंगे मिट्टी बहेगी नहीं तो यानी कि वो जो उसकी जो रूट है वो होल्ड करके रखती है बहने नहीं देती उसको सॉइल इरोजन नहीं होता है सॉइल इरोजन का क्या नुकसान है ऊपर की सारी जो हमारी फ़र्टाइल लैंड है वो तो वॉश ऑफ हो जाती है नीचे सिर्फ बंजर ज़मीन बचती है फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर फॉर फर्नीचर ये तो कुछ चीज़ें हैं हमें फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ मिलती है फ्यूल वुड मिलती है जलाने के लिए फॉर्डर मिलता है चारा मिलता है मेडिसिनल प्लांट भी होते हैं जिनसे कि दवाइयाँ मिलती हैं हर्ब्स मिलते हैं लाख मिलता है हनी गम एक्सेट्रा ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ का जंगली जानवरों का बर्ड्स का नेचुरल हैबिटेट तो है ही फॉरेस्ट यहाँ पर ये लोग रहते भी हैं नैचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज और हमने बहुत भारी मात्रा में नेचुरल वेजिटेशन को नुकसान पहुँचाया है ट्रीज़ को फॉरेस्ट को कट करके रेकलेसली वी शुड प्लान्ट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग बॉन्स एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज हमें और पेड़ लगाने चाहिए जो है उनको बचाना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि पेड़ क्यों ज़रूरी है वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग आर अर्थ ग्रीन हम वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम भी रख सकते हैं ताकि लोगों को बता सके और हमारी जो अर्थ है उसको ग्रीन रख सके उसके बाद यहाँ पे इस पिक्चर में आपको दिया हुआ है कि पेड़ों से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है सॉइल को बाइंड कर रहा है फर्नीचर स्पोर्ट्स की चीज़ें फ्यूल मिल रहा है फॉर्डर शेल्टर रहने के लिए जो घर आप बनाते हैं मेडिसिन ऑक्सीजन मिल रही है हनी मिल रहा है बहुत फ्रूट्स मिलते हैं गम मिलता है लाख जिसकी चूड़ियाँ बनती है नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ के लिए टिम्बर मिलती है रबर मिलती है ओके okay? अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की इंडिया में वाइल्ड लाइफ कैसी है फॉरेस्ट आर होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ जंगल जो है वो घर है वाइल्ड लाइफ की जो वैरायटी है उनका there are thousands of species of animals and large variety of reptile amphibians mammals birds insects and worms that dwell in the forest kai hazar prajatiyan hain reptiles ki birds ki mammals ki jo amphibians hote hain dono jagahojoj rehte hain unki jo ki in jangalon mein rehte hain nivas karte hain the tiger is our national animal agar hum baat kare wildlife ki तो tiger हमारा national animal है। it is found in various parts of the country और देश के कई parts में ये पाया जाता है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात गुजरात में जो गिर फॉरेस्ट है इज़ होम ऑफ एशियटिक टाइग लायंस वो घर है एशिया एशियाई शेरों का लायंस का एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसॉरस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ आसाम आसाम के जंगलों में आपको एलिफेंट्स और एक सींग वाला जो राइनो है वो मिल जाएगा एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका एलिफेंट केरला और कर्नाटका में भी मिलते हैं कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ग्रेट इंडियन डेजर्ट में आपको कैमल जो ऊंट और जंगली गधे हैं वो मिल जाएंगे रन ऑफ कच्छ में भी अच्छा कैमल्स मिलेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट में और जंगली गधे मिलेंगे रन ऑफ कच्छ में रिस्पेक्टिवली वाइल्ड गोट्स जंगली अगर हम गोट्स की बात करें बकरियों की स्नो लेपर्ड जो होता है बियर्स भालू एट्सेट्रा आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन ये आपको हिमालयन रीजन में मिलेंगे इसके अलावा बिसाइड दिस और कुछ भी एनिमल्स हैं जो देश में मिलते हैं जैसे कि मंकी वुल्फ जयकाल नील गाय चीता एक्सेट्रा तो ये कुछ आपको वाइल्ड एनिमल्स के नाम बताए हुए हैं जो अलग अलग फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और भी बहुत है ये तो मेन कुछ बताए हैं इंडिया इज़ इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ बर्ड लाइफ में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स ही हैं बर्ड्स में भी इंडिया उतना ही रिच है द पीकॉक इज़ आर नेशनल बर्ड पीकॉक हमारी नेशनल बर्ड है अदर कॉमन बर्ड्स जो इंडिया में मिलती है वो है पैरट्स पीजेंस मैना गीज बुलबुल -बुल, डक्स देर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव birds देयर नेचुरल habitat. कुछ बर्ड सेंचुरीज भी बनाई गई है ताकि नेचुरल हैबिटेड मिले बर्ड्स को रहने के लिए These प्रोवाइड द बर्ड्स प्रोटेक्शन from हंटर्स और हंटर्स से उनको शिकारियों से बचाया जा सके कैन यू नेम फाइव बर्ड्स दैट आर कॉमनली फाउंड यर एरिया पांच बर्ड्स के नाम बताइए जो आसानी से आपके एरिया में मिल जाती हो देर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पीशीज ऑफ स्नैक फाउंड इन इंडिया कई सौ स्पीशीज़ हैं प्रजातिया है सांपों के लिए जो भारत में मिलती है कोबराज एंड क्रेट्स आर इंपॉर्टेंट अमंग दम और उन सब में कोबरा और क्रेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यू टू तो कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली क्योंकि हम जंगलों को बहुत फास्ट रेट से काट रहे हैं एनिमल्स को हंट कर रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ की कुछ स्पीशीज़ और पेड़ जो है वो कम होते जा रहे हैं रेपिडली मैनी स्पीशीज़ हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट और कई स्पीशीज तो एक्सटिंक्ट ही हो चुकी है खत्म विलुप्त हो चुकी है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डैम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क सेंचुरीज और बायोस्फेयर रिजर्व भी सेटअप किए गए हैं द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट एलिफेंट भी स्टार्ट किया है टाइगर्स और एलिफेंट्स को बचाने के लिए कैन यू नेम सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया लोकेट दैम ऑन मैप मैप में आपको कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेट करनी है और उनके नाम लिखने हैं इंडिया में अभी फाइव हंड्रेड सिक्सटी सिक्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जो कि वाइल्ड लाइफ को रिजर्व करने के लिए बनाई गई है कुछ के नाम आपने सुने भी होंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क गिर रनथम्बोर रनथम्बोर नेशनल पार्क सुंदरबन नेशनल पार्क ये सभी हम जब मैप करेंगे तब आपको बता दिया जाएगा यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ आप भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को बचाने में यू कैन रिफ्यूज़ टू बाई थिंग्स मेड फ्राम पार्ट ऑफ बॉडीज ऑफ एनिमल्स आप कई ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो कि एनिमल की बॉडीज से बनते हैं तो आप उनको रिफ्यूज़ करिए उनको खरीदिए मत कौन सी बॉडी पार्ट से वो बनाए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल उनकी बोन से कुछ उनकी हड्डियों से बनते हैं हॉर्न सींग से फर से स्किन से और फैदर्स से तो उनको परचेज मत करिए इस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन आपका भी हो सकता है एनिमल्स कम मरेंगे अगर लोग कम खरीदेंगे तो हंट कम किए जाएंगे एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर अक्टूबर के पहले हफ्ते में हम वाइल्ड लाइफ वीक भी मनाते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर कंजर्विंग दी हैबिटेट ऑफ एनिमल किंगडम जिससे कि एनिमल किंगडम के बारे में लोग अवेयर हो सके और यहाँ पर आपको कुछ न्यूज़पेपर की स्टोरीज दी हुई है विलेजेस इन विलेजेस इन टाइगर रिज़र्व मस्ट बी रिलोकेटेड कि टाइगर रिजर्व में जो गांव है जगह रिज़र्व कर दी गई है टाइगर्स के लिए लेकिन उनके बीच बीच में विलेजेस भी है तो लोग कह रहे हैं हमें रिलोकेट किया जाए कहीं और बसाया जाए हमारे गाँव को लार्ज स्केल पोचिंग एलिज इन सिमली पाल रिजर्व सिमली पाल रिज़र्व है देखिए वहाँ पर पोच किया जा रहा है एनिमल्स को हंट किया जा रहा है ओके okay, तो ये कुछ और न्यूज़ माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में थोड़ा सा लास्ट में दिया हुआ है सम बर्ड्स सच कुछ बर्ड्स हैं जैसे कि पिंटेल डक कार्लियो फ्लेमिंगो ऑस्प्रे लिटिल स्टिंट ये बर्ड्स के नाम हैं ये माइग्रेट करती है हमारी कंट्री में इन विंटर सीजन एवरी ईयर हर साल विंटर सीजन में स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड लिटिल स्टिंट वेइंग एज लो एज फिफ्टीन ग्राम सबसे छोटी जो माइग्रेटरी बर्ड है जो माइग्रेट होकर दूसरी जगह से आती है इंडिया में वो लगभग पंद्रह ग्राम की है फ्रॉम आर्कटिक रीजन ट्रैवल ओवर एट थाउजेंड किलोमीटर्स टू इंडिया ये आर्कटिक रीजन से आती है लगभग आठ हज़ार किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करके क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है इसीलिए ओके दैट्स ऑल स्टूडेंट्स इसी के साथ चैप्टर आपका फिनिश होता है होपफुली सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग